हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस। तो कंट्री मीन्स एक तो मीनिंग देश होता है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में जो कंट्री का मीनिंग है वो गांव या देहात से है। तो गांव का माउस एंड द टाउन माउस, टाउन का मीनिंग हुआ नगर या फिर शहर का माउस। तो ये दो चूहों की कहानी है, एक गाँव का माउस होता है, एक गाँव का चूहा होता है और एक शहर का या नगर का चूहा होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इन स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस स्टोरी में हम इसकी इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग को भी सीखेंगे और किस तरीके से हमें इस इंग्लिश स्टोरी के मीनिंग को ग्रास्प करना है, उसके हिंदी अर्थ को किस तरीके से निकालना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द कंट्री माउस, गांव का चूहा, या फिर हम कह सकते हैं कि देहात का चूहा, या फिर इस स्टोरी में हम गांव के चूहा ही कहकर इसे बोलेंगे। द कंट्री माउस, गांव का चूहा, लिव्ड मीन्स रहता था, लिव माने रहना होता है, तो सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है। तो पूरी ही स्टोरी जिस सिंपल पास्ट में है उसी तरीके से हमें इसके मीनिंग को ग्रास्प करना है। तो गांव का चूहा लिव्ड रहता था इन द कंट्री, गांव में, जो गांव का चूहा था वो एक गांव में रहता था। ही वाज अ फील्ड माउस, वह था, वाज मीन्स था, एक, फील्ड मीन्स खेत का, और माउस मीन्स चूहा। वह एक फील्ड माउस था या फिर वह एक खेत का माउस था। ही लिव्ड, वह रहता था इन अ होल, इन मीन्स में, एक होल मीन्स छेद या फिर बिल। तो चूहे जो होते हैं वो बिल में ही रहते हैं, तो वो एक बिल में रहता था। इन अ फील्ड में, एक फील्ड खेत, वह एक फील्ड के, एक खेत के बिल में रहता था। इन द विंटर, इन मीन्स में, द विंटर मीन्स सर्दियाँ, तो वो सर्दियों में, द ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स दाने या फिर अनाज, ऑफ द वीट, वीट मीन्स गेहूँ और ऑफ मीन्स के, तो गेहूँ के दाने फैल जो गिर जाते थे ऑन द ग्राउंड, भूमि पर। तो विंटर में क्या होता था, विंटर में गेहूं के दाने भूमि पर गिर जाते थे। द कंट्री माउस, तो गांव का चूहा, कंट्री माउस, पिकड अप, उन्हें उठा लेता था। द ग्रेन्स, अनाजों को, उन दानों को, एंड, और, टुक देम, और टुक मीन्स ले जाता था, देम मीन्स उन्हें, टू फीड, फीड मीन्स खिलाने के लिए, हिज फैमिली, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को। तो कंट्री माउस उन दानों को, उन अनाज को उठाकर उन्हें अपनी फैमिली को खिलाने के लिए ले जाता था। तो यहाँ तक हमारा मीनिंग कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं। इन द समर, गर्मियों में, समर मीन्स गर्मियाँ और इन मीन्स में, गर्मियों में, ही उसे, हैड टू लुक हार्ड फॉर फूड, उसे पड़ता था। यहाँ पे जो हैड टू होता है उसका मीनिंग होता है किसी काम को मजबूरी में करना, तो हैड टू उसे पढ़ता था। लुक हार्ड, लुक हार्ड मीन्स सर्च करना या फिर मुश्किल से पाना, फॉर फूड खाने के लिए। तो गर्मियों में उसे खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गर्मियों में उसे भोजन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। द फील्ड्स, जो खेत वर थे ड्राई, सूखे हुए, गर्मियों में खेत सूखे हुए थे, इसीलिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी। द सन, सूरज, शोन मीन्स चमकता, शाइन फर्स्ट फॉर्म होती है, शोन आइए, तो इसका मतलब चमकता था। डाउन नीचे, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, गर्मियों में सूरज नीचे पृथ्वी पर चमकता था और जिसकी वजह से खेत सूख जाते थे और फिर अनाज भी उसे नहीं मिल पाता था। द फार्मर्स, फार्मर्स मीन्स किसान, आल्सो भी, आल्सो मीन्स भी, स्टेड मीन्स ठहरना या फिर रुकना, एट द होम घर पर, किसान भी घर पर ठहर जाते थे या फिर किसान भी गर्मियों में घर पर रुक जाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं जब गर्मियों में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो किसान वगैरह भी होते हैं वो घरों पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से अनाज की कटाई या फिर जो भी काम होता है खेती बाड़ी का वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से कंट्री माउस को अनाज वगैरह गर्मियों में नहीं मिल पाता था। इन द रेनी सीजन, इन मीन्स में, रेनी मीन्स मीन्स, रेनी मीन्स बरसात के, सीजन मीन्स मौसम में, बरसात के मौसम में, द रेन्स बरसात,
फील्ड भर देती थी, द फील्ड्स खेतों को। बरसात के मौसम में बरसात फिल माने भरना, तो सेकंड फॉर्म आइए तो भर देती थी, द फील्ड्स खेतों को। बरसात खेतों को भर देती थी, द कंट्री माउस जो गांव का चूहा था, कंट्री माउस हैड टू मेक, हैड टू उसे करना पड़ता था, मेक बनाना पड़ता था, ए होल एक विल नेक्स्ट टू अ ट्री एक पेड़ के पास में। कंट्री माउस को बरसात के मौसम में एक पेड़ के पास में अपना बिल बनाना पड़ता था, होल बनाना पड़ता था। ही उसे एंड हिज फैमिली और उसकी फैमिली को एट वो खाते थे मैंगोज आम एंड जामुन्स, और जामुन्स को वह और उसकी फैमिली एट मीन्स खाते थे। सेकेंड फॉर्म है ईट की, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। अगर आपने टेंस नहीं देखे हैं तो टेंस की वीडियो हमारे चैनल पे, आप उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो एट खाते थे मैंगोज़ आमों को एंड जामुन्स और जामुन्स को, दैट मीन्स जो। तो यहाँ पे जो दैट आया है ये एज ए कनेक्टर है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो होगा, जो फैल गिरे होते थे फ्रॉम द ट्रीज, फ्रॉम मीन्स से, ट्रीज मीन्स पेड़ से, जो पेड़ से गिरे होते थे। तो वह उसकी फैमिली आमों को और जामुन को खाती थी जो पेड़ से गिर जाते थे। समटाइम्स कभी कभी, द फार्मर्स किसान, ड्रॉप्ड छोड़ जाते थे फूड, फूड भोजन को, ऑन द ग्राउंड फील्ड पर। तो कभी कभी किसान गिरा देते थे या छोड़ जाते थे भोजन को ग्राउंड पे। द कंट्री माउस, कंट्री माउस और एंड मीन्स और हिज फैमिली उसका परिवार एट खाता था द फूड भोजन को। तो जो किसान होते थे वो कभी कभी गिरा देते थे भोजन को ग्राउंड पर, तो कंट्री माउस और उसकी फैमिली उस भोजन को खाती थी, एट मीन्स खाती थी। सून जल्दी ही द राइस वाज रेडी, जल्दी ही राइस चावल की जो फसल थी, राइस थी, रेडी मीन्स तैयार, जल्दी ही चावल की फसल तैयार थी। फिर देयर वर प्लेंटी ऑफ राइस ग्रेन्स, तो देयर जो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है तो इसका मीनिंग हम कुछ भी नहीं निकालेंगे। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में या बीच में है तो इसका मीनिंग वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, मीनिंग यहाँ से निकालेंगे। थे प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत से राइस ग्रेन्स अनाज के दाने या फिर चावल के दाने, ऑन द ग्राउंड, ऑन मीन्स पर, ग्राउंड मीन्स भूमि पर, फॉर द माइस चूहों के लिए, टू ईट खाने को। तो यहाँ पे अब हमारा मीनिंग हो गया, चावल के दाने बहुत सारे थे ग्राउंड पर पड़े हुए चूहों के खाने के लिए, क्योंकि अब क्या हुआ, चावल की फसल तैयार थी। द कंट्री माउस जो गांव का चूहा था, एंड हिज चिल्ड्रन और उसके बच्चे, द लिटिल माइस और जो छोटे चूहे, वर मीन्स थे, हैप्पी मीन्स खुश, ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू मीन्स पूरे साल, ऑल थ्रू द ईयर्स पूरे साल। तो कंट्री माउस और उसके बच्चे और जो छोटे चूहे थे वो पूरे साल खुश थे या खुश होते थे, इसी तरीके से वो अपना लाइफ बिता रहे थे। फिर क्या हुआ, एक दिन, वन डे, एक दिन, द कंट्री माउस कज़िन, तो जो माउस के साथ में ये अपोस्ट्रॉफी आई है इसका मतलब हुआ का या फिर की। तो कंट्री माउस का कज़िन, कंट्री माउस का चचेरा भाई या फिर तहेरा भाई या ममेरा भाई जो भी होता है उन सबको कज़िन कहते हैं। तो आई होप आप इसका मीनिंग को समझ गए होंगे, कज़िन का मतलब चचेरा, तहेरा या फिर मामा का लड़का, उन सब भाइयों को कज़िन बोला जाता है। तो जो कंट्री माउस था उसका चचेरा भाई, द टाउन माउस वो कौन सा था, नगर का माउस था, शहर का माउस था, केम आया टू विजिट हिम, टू विजिट मीन्स मिलने या फिर मुलाकात करने, हिम मीन्स उससे। एक दिन कंट्री माउस का चचेरा भाई जो शहर का माउस था उससे मिलने आया। ही डिडंट लाइक, वह नहीं करता था, लाइक मीन्स पसंद, द कंट्री गांव को एट ऑल बिल्कुल, तो कंट्री मीन्स गांव, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, वह गांव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, डिड नॉट के साथ में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसका मीनिंग हो गया, वह गांव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ही सैड टू हिज कज़िन, उसने सैड मीन्स कहा टू हिज कज़िन, अपने कज़िन से, अपने चचेरे भाई से, आई लिव मैं रहता हूँ,
लिव है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट का टेंस हो गया। अब यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उसने क्या बताया, उसके कन जो टाउन का माउस था कि उसने कहा कि आई लिव, मैं रहता हूँ, इन आ लार्ज, इन मीन्स में, एक लार्ज मीन्स एक बड़े, एंड और ब्यूटीफुल सुंदर, हाउस मीन्स घर, मैं एक बड़े और सुंदर घर में रहता हूँ, एट नाइट रात में, आई स्लीप मैं सोता हूँ, आई स्लीप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं सोता हूँ, ऑन मीन्स पर, सॉफ्ट मीन्स कोमल, पिलोज मीन्स तकियों पर, मैं रात में कोमल तकियों पर सोता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ चीज़, मैं चीज़ मक्खन खाता हूँ, एंड ब्रेड और ब्रेड खाता हूँ, मैं चीज़ और ब्रेड खाता हूँ, मीट मांस खाता हूँ, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ खाता हूँ, आई डोंट हैव टू गो टू अ न्यू होम व्हेन इट रेन्स, मुझे नहीं हैव टू गो जाना पड़ता है टू अ न्यू होम, एक नए घर में, व्हेन मीन्स जब, यहाँ पे जब जो आया है एक कनेक्टर के रूप में है, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा जब इट रेन्स, जब बारिश होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब बारिश होती है, मुझे नए घर में नहीं जाना पड़ता है जब बारिश होती है, क्योंकि कंट्री माउस को अब जो कंट्री क्योंकि जो कंट्री माउस था उसे अपने फील्ड छोड़कर एक पेड़ के नीचे आकर अपना बिल बनाना पड़ता था, तो इसीलिए बता रहा है कि मुझे एक नए घर में जाना नहीं पड़ता है जब बारिश होती है, आई डोंट हैव टू लुक फॉर फूड, मुझे नहीं करना पड़ता है, लुक मीन्स सर्च फॉर फूड, भोजन के लिए, मुझे भोजन के लिए नहीं देखना पड़ता है या फिर मुझे भोजन की खोज नहीं करनी पड़ती है, कम आओ एंड विजिट मी, और विजिट मीन्स मिलो मुझसे, मी मीन्स मुझसे, आओ और मुझसे मिलो, किसी दिन शहर में आओ और मुझसे मिलना। तो फिर एक दिन क्या हुआ, द कंट्री माउस जो गांव का माउस था, वेंट मीन्स गया, गो की सेकेंड फॉर्म है तो जाना, तो दो द कंट्री माउस वेंट गया टू विजिट, मिलने हिज कजिन, अपने कजिन से, इन द टाउन शहर में, गांव का चूहा अपने कजिन से शहर में मिलने गया, हिज कजिन उसका कजिन, टुक मीन्स ले गया, हिम मीन्स उसे, टू अ बिग, एक बिग मीन्स बड़े, हाउस मीन्स घर, उसका कजिन उसे ले गया एक बड़े घर में, देयर, अब यहाँ पे ये फिर से देयर आया है, हमने बता दिया है कि यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं होगा, यहाँ से निकालेंगे, वाज मीन्स था, आ एक, टिनी मीन्स छोटा, होल मीन्स बिल, इन मीन्स में, द वॉल दीवार में, दीवार में एक छोटा बिल था या फिर दीवार में एक छोटा छेद था, द टू माइस दोनों चूहे, वेंट मीन्स गए, इनटू मीन्स में, द होल मीन्स बिल, दोनों चूहे बिल में गए जो दीवार में एक छोटा बिल था, दे हैड टू स्टे, दे मीन्स उन्हें या फिर वे, तो यहाँ पे मीनिंग होगा उन्हें, उन्हें हैड टू स्टे, ठहरना पड़ा, देयर मीन्स वहाँ, द होल डे पूरा दिन, उन्हें वहाँ पूरा दिन ठहरना पड़ा दीवार के बिल में, अ बिग कैट एक बड़ी बिल्ली, रोम्ड मीन्स घूम रही थी, अराउंड मीन्स चारों ओर, द हाउस घर के, एक बड़ी बिल्ली घर के चारों ओर घूम रही थी, एट नाइट रात में, द माइस क्रैप्ट चूहे, क्रैप्ट मीन्स खिसकना या फिर चुपके चुपके से चलना, आउट मीन्स बाहर, रात में दोनों चूहे खिसक कर बाहर आए, दे गॉट ऑन, गॉट ऑन मीन्स किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, तो दे गॉट ऑन चढ़े टू द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर, भोजन की जो टेबल होती है उसके ऊपर वे चढ़े, दे एट उन्होंने खाए, द क्रम्स ऑफ फूड, तो क्रम्स मीन्स जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, के फूड माने भोजन के, तो उन्होंने भोजन के टुकड़े खाए जो डाइनिंग टेबल पर गिर जाते हैं, उन्हें खाया, समटाइम्स कभी कभी, दे डिड वे खाते थे, ईट मीन्स खाना, कभी कभी वे खाते थे, ए क्रम्ब ऑफ चीज़, एक क्रम्ब मीन्स टुकड़ा, ऑफ चीज़ चीज़ का, कभी कभी वे चीज़ का एक टुकड़ा भी खाते थे, और या अ टिनी विट ऑफ मीट, या फिर एक छोटा टुकड़ा मीट का या फिर मांस का एक छोटा टुकड़ा वो खाते थे, व्हेन मीन्स जब, द कुक लेफ्ट द किचन डर्टी, जब जो कुक बावर्ची जो था लेफ्ट मीन्स छोड़ देता था द किचन को
डर्टी गंदा। जब बावर्ची किचन को गंदा छोड़ देता था द माइस, तो चूहे हैड मोर टू ईट होता था, मोर मीन्स ज़्यादा टू ईट खाने को। जब बावर्ची किचन को गंदा छोड़ देता था तो चूहों को खाने के लिए बहुत कुछ होता था। समटाइम्स कभी कभी देयर वर नो फूड, कभी कभी कोई भोजन नहीं होता था। देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ से था नो फूड, कोई भी फूड नहीं, कभी कभी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। द माइस चूहे हैड टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज बिन। चूहों को हैड टू लुक देखना पड़ता था, हैड टू लुक देखना पड़ता था फॉर फूड, भोजन को इन द गार्बेज बिन। गार्बेज मीन्स वेस्टेज या फिर जो डस्टबिन होती है वो, विन मीन्स डिब्बा या फिर कोई बास्केट वगैरह उसमें। तो कभी कभी चूहों को गार्बेज बिन में, कूड़ेदान में भोजन को देखना पड़ता था। मैनी टाइम्स, तो मैनी टाइम्स मीन्स बहुत, टाइम्स मीन्स समय, बहुत समय, तो इसका मतलब हुआ कई बार। मैनी टाइम्स का मीन्स हुआ कई बार। दे वुड हियर फुट स्टेप, उन्होंने सुने, हियर मीन्स सुने, फुट स्टेप्स कदमों की आवाज़, फुट स्टेप्स कदमों की आवाज़ को उन्होंने सुना कई बार। द फीट केम, जो कदम थे, पैर थे, केम मीन्स आते थे, क्लोज मीन्स पास में, टू देम उनके पैर उनके पास में आते थे तो वो उनकी आवाज़ को सुनते थे। दे हैड टू रन, उन्हें हैड टू रन भागना पड़ता था। ऑफ टू हाइड छिपाने के लिए, इन मीन्स में, द टिनी होल छोटे बिल में, उन्हें कभी कभी अपने आप को छुपाने के लिए छोटे बिलों में भागना पड़ता था। ओनली वंस, सिर्फ एक बार, वंस मीन्स एक बार, ओनली मीन्स सिर्फ, सिर्फ एक बार। दे मीन्स बे, सेट मीन्स बैठे, फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल का मीन्स हुआ कुछ देर के लिए, ये एक फ्रेज है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कुछ देर के लिए। ऑन मीन्स पर, द सोफा, सोफा पर, सिर्फ एक बार बे कुछ देर के लिए सोफा पर बैठे, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया सिर्फ एक बार बे कुछ देर के लिए सोफा पर बैठे। द कंट्री माउस, जो गांव का चूहा था, वाज मीन्स था, नॉट हैप्पी नहीं खुश, हैप्पी मीन्स खुश, गांव का चूहा खुश नहीं था, कंट्री माउस खुश नहीं था। ही मिस्ड द ओपन कंट्री फील्ड्स, वह मिस्ड मीन्स याद कर रहा था, द ओपन फील्ड्स खुले हुए, द ओपन कंट्री फील्ड्स खुले हुए गांव के खेत, खुले हुए गांव के, कंट्री मीन्स गांव, फील्ड्स मीन्स खेत, वह खुले हुए गांव के खेतों को मिस कर रहा था, याद कर रहा था। ही मिस्ड हिज चिल्ड्रन, वह याद कर रहा था अपने बच्चों को। ही सैड, उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद, सो मच ब्रदर, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई मीन्स मुझे, मस्ट मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना, होम मीन्स घर, नाउ मीन्स अब मुझे घर जाना चाहिए। तो कंट्री माउस था, उसने अपने भाई से कहा, उसने कहा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे घर जाना चाहिए। यू मे स्टे इन दिस बिग टाउन हाउस, तुम सकते हो, स्टे मीन्स रुक, तुम रुक सकते हो, इन दिस बिग, इस बड़े घर में, टाउन हाउस नगर के, तुम इस नगर के बड़े घर में रुक सकते हो। इट इज़ टू फ्राइटनिंग फॉर मी, यह है, टू मीन्स अत्यधिक, फ्राइटनिंग मीन्स डरावना, फॉर मी मेरे लिए, ये डर मेरे लिए बहुत डरावना है। आई लव, मैं पसंद करता हूँ, या फिर मैं प्यार करता हूँ, माई लाइफ, अपने जीवन से, इन द कंट्री गांव में, मैं अपने गांव में अपने जीवन से प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने गांव के जीवन को ही पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी, आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।